Hi friends, this is Krishna coming back with the fourth episode of our Ladakh trip, जिसमें हम आपको ले जाने वाले हैं नुब्रा वैली में, जो जाना जाता है अपने फेमस व्हाइट सैंड ड्यून्स, बैक्ट्रियन डबल हेम्ड कैमल्स, सीनिक लैंडस्केप एंड मोनेस्ट्रीज के लिए। ले से 150 किलोमीटर दूरी पे एक तरफ करकोरम और दूसरे तरफ लद्दाखी हिमालयन रेंजेस के बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ नुब्रा कश्मीर और तिब्बत के बीच में सैंडविच्ड एक वैली है, जिसका एवरेज ऑल्टीट्यूड है 10,000 फीट अबव सी लेवल। बट बिफोर स्टार्टिंग अ रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियोज बाई क्लिकिंग ऑन द रेड बटन डाउन बिलो ऑन द राइट हैंड साइड टू गेट नोटिफाइड ईच टाइम वी अपलोड एनीथिंग न्यू। ले से जर्नी शुरू करने के तुरंत बाद ही चढ़ाई शुरू हुआ फॉर द माइटी खरदुंगला पास एट 18,380 फीट, जिसको नुब्रा एंड शोक वैली का गेटवे भी कहा जाता है। ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ नीचे दिखाई दे रहा वैली का व्यू बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था, और बढ़ते ऑल्टीट्यूड के साथ साथ पेड़ पौधे हरियाली भी कम होती दिखाई दी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, अर्धी कलर्स का कोल्ड डेजर्ट लुक, साफ नीला आसमान के तले बहुत शानदार दिखाई दे रही थी। खरदुंगला पास ले से लगभग 40 किलोमीटर के दूरी पे है, और यहाँ पहुँचने के कुछ दूर पहले से ही आपको बर्फ दिखाई देनी लगेगी, जो जैसे जैसे पास सामने आएगा बढ़ती जाएगी। গুড মর্নিং ফ্রম অফ রুট ট্রেলস। আজকে আমাদের ঘোরার চতুর্থ দিন। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি খারদুংলা পাসে, যার উচ্চতা 17,982 ফুট। আমরা চলেছি এখন নুব্রা ভ্যালিতে, আজকে থাকবো হুন্দারে। আমাদের এটা চতুর্থ দিন, দুদিন আমরা ছিলাম হচ্ছে লে শহরে। আজকে লে শহর থেকে রওনা হয়েছি, রওনা হয়ে এই মুহূর্তে আমরা খারদুংলাতে পৌঁছেছি। খারদুংলা পাসের থেকে পার হয়ে আমরা যাব হুন্দার, নুব্রা ভ্যালিতে হুন্দারে। হুন্দারে দুদিন থাকবো, সেখান থেকে আরও কয়েকটা জায়গা একদম পাকিস্তান বর্ডার অবধি যাব। সেখান থেকেও আপনাদের জানাবো কোথায় কোথায় আমরা যাচ্ছি, কখন কখন যাচ্ছি। এই খারদুংলা পাসে বেশিক্ষণ থাকার উপায় নেই, এখানে অক্সিজেন লেভেল এতই কম। সেনাবাহিনীর লোকেরা সবসময় বলছে মিনিট 15-20 বেশি এখানে থাকা উচিত নয়। আজকে খুব ভালো রোদ্দুর উঠেছে, চারপাশ ঝকঝক করছে, বরফ একবারে সাদা হয়ে আছে। আমি কৃষ্ণাকে বলবো চারপাশটা একবার ক্যামেরায় ধরে রাখ। এখনকার মতো খারদুংলা থেকে এইটুকুই, আমরা আবার যোগাযোগ করব আপনাদের সঙ্গে হুন্দারে পৌঁছে। After spending some 15 to 20 minutes at the pass clicking pictures, we started our descent downwards towards Nubra Valley. Oxygen ki kami ki wajah se aur bheed na ho is wajah se army wahan aapko 15 minute se zyada rukne nahi degi. पहाड़ के दूसरी तरफ उतरते हुए हम लोगों की नज़र पड़ी इस अनजान जगह पे, जिसका वैसे तो कोई टूरिस्ट इम्पोर्टेंस नहीं है और शायद किसी का ध्यान में भी नहीं आएगा, पर ठीक से देखो तो ये फॉर मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है लद्दाख का।
एक शैलो क्रिस्टल क्लियर लेक, एक छोटे से मंदिर के पास और चारों तरफ ग्रीन पैस्चर। लेक में तरह तरह के बर्ड्स तैरते हुए नजर आ रहे थे। द टोटल सीन कैन बी थॉट ऑफ एज एन आइडियल स्पॉट टू रिलैक्स। ऑल्सो टूरिस्ट लोकेशन न होने के कारण इस शियर रॉ नेचुरल ब्यूटी वॉज अ ट्रीट टू द आईज। जैसे जैसे हम नुब्रा वैली की तरफ आगे बढ़ते गए, शोक नदी नजर आने लगी, जो इंदस के और एक ट्रिब्यूटरी है। शोक नदी को बुलाया जाता है एज द रिवर ऑफ डेथ ड्यू टू ए स्विफ्ट फ्लो इवन इन समर मंथ्स, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू क्रॉस। मिनरल से भरे पड़े रंगीन पहाड़ों के बीच में से बहता हुआ शोक रिवर और सफ़ेद सैंडी वैली का नज़ारा एक परफेक्ट कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप का था, बेहद खूबसूरत। खालसार क्रॉस करने के बाद जैसे जैसे डिस्केट हुंदर नजदीक आने लगा, रास्ते के दोनों तरफ आपको सफेद रेत दिखाई देने लगेगी, इंटरस्पर्स्ड विद टॉल अल्पाइन ट्रीज। Thank you.
खरदुंगला के बाद हमारा आज का सेकंड टूरिस्ट स्पॉट रहा 14th सेंचुरी में बनाया गया नुब्रा वैली का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री द वेरी ब्यूटीफुल डिस्किट मोनेस्ट्री। एक यूनिक लोकेशन में होने के साथ साथ इस जगह का सबसे प्रोमिनेंट और फेमस लैंडमार्क है द जिजेंटिक 106 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ मैत्रेया बुद्धा फेसिंग द शोक रिवर टूवर्ड्स नुब्रा वैली मेकिंग इट द लार्जेस्ट इन लद्दाख। हम लोग आज रहने वाले हैं हुंदर में, पर होटल में जाने से पहले एक लास्ट स्टॉप लेंगे ऑन द हुंदर सैंड ड्यून्स टू राइड द डबल हेम्ड बैक्ट्रियन कैमल्स ओवर देयर, जो इंडिया में सिर्फ यहीं पे मिलता है और पूरे विश्व में यहाँ छोड़ के सेंट्रल एशिया के होल रीजन में इस किस्म का कैमल्स मिलेगा। कहा जाता है 17th सेंचुरी में टिबेटन रीजन से ये लद्दाख में आया है। राजस्थान के कैमल्स जैसे ये ऊँचे और बड़े नहीं होते। नुब्रा में आके कोई ये कैमल्स की सवारी ना करे ये हो ही नहीं सकता। ढलते हुए शाम में आज का दिन ख़त्म होने से पहले एक यादगार एक्सपीरियंस रहा हमारा कैमल राइड ऑन द वाइट ड्यून्स ऑफ नुब्रा। कल हम लोग जाने वाले टू द लास्ट विलेजेस ऑफ दिस पार्ट ऑफ इंडिया द बाल्टी विलेजेस ऑफ थंग एंड टुटुक वंस पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हम फिर लौटेंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ बोथ दिस विलेजेस। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू।